Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 28th of March 2020 and guys, current affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं. इस lecture में हम लोग various sources से news को cover करते हैं, जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं, उनकी news को cover किया जाता है, PIB की reports को discuss करते हैं, Rajya Sabha television में जो भी important news discussion debates आती हैं, उनको discuss करते हैं, plus various magazines जैसे कि EPW, Down to Earth के भी articles को discuss करते हैं. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइज, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. सो पेड कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. तो सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है कुरिल आइलैंड्स के बारे में. तो कुरिल आइलैंड्स किस कंट्री का आइलैंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया का आइलैंड है. जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए अंडमान एंड निकोबार या फिर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड किस कंट्री का आइलैंड, तो हम जानते हैं कि इंडिया के आइलैंड है, तो वैसे ही क्वेश्चन ये बन सकता है कि रशिया के आइलैंड का नाम बताइए. और अगर ऑप्शन में अगर कुरिल आइलैंड लिखा होगा तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, या फिर कभी कभी मतलब जो दो आपको कॉलम्स दिए रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि दोनों कॉलम्स को मैच करिए कि कौन सा जो है वो गलत है, तो एक तरफ रशिया लिखा होगा दूसरी तरफ कुरिल आइलैंड होगा, तो वो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है मैप या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन. ठीक है, तो ये कुरिल आइलैंड की लोकेशन देख लो आप. रशिया से अगर हम लोग नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको ये कुरिल आइलैंड दिखाई देगा, और जापान से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको कुरिल आइलैंड जो है वो दिखाई देगा. ठीक है, राइट. और ये चाइना के भी नजदीक है, क्योंकि चाइना के बगल में ये रशिया की टेरिटरी बाउंड्री हम लोग को देखने को मिलती है, और यहां पर अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये कुरिल आइलैंड जो है वो हम लोग को दिखाई देगा. ठीक है, तो ये कुरिल आइलैंड की लोकेशन हो गई. अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहां पर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था. इससे पहले भी 2013 का ये अर्थक्वेक 7.2 मैग्नीट्यूड का देखने को मिला था, तो ये पुरानी पिक्चर है, बट फिर भी आपको लोकेशन समझाने के लिए ये वाली पिक्चर मैंने ऐड करी हुई है. बट आप अभी के लिए जान लो कि अभी यहां पर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न पैसिफिक एरिया पे, और यहां पर सुनामी की वार्निंग जो है वो दी गई थी, तो इसलिए टॉपिक जो था वो न्यूज में था. बट आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन से रिलेटेड चीजें ध्यान में रखनी, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा. क्लियर है यहां तक पूरी बात है? और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे अभी के भी इसका आंसर लिखकर बताइए कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कि अर्थक्वेक आने वाला है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है. ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा. और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था, नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर हम लोग दो कानूनों को डिस्कस करेंगे, एक है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980. तो देखिए गाइस, ये दोनों ही कानून हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोनों के दोनों ही, और दोनों को मैं एक साथ आपको जो है वो डिस्कस करूंगा, राइट, आपके साथ, क्योंकि ये दोनों में ही काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, राइट, और कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है. तो देखो, दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई तो ये कानून भी काफी इजीली समझ में आ जाएगा. तो देखो गाइस, आप लोग जानते हो कि जो पुलिस होती है वो किन लोग को अरेस्ट करती है, जो लोग क्राइम करते हैं, राइट. आप सभी लोग जानते हो किसी ने क्राइम किया तो उसको जाकर पुलिस अरेस्ट कर लेगी, बट कोई इंडिविजुअल अगर क्राइम ना करे और फिर भी अगर पुलिस उसको अरेस्ट कर ले तो वो किस कैटेगरी में अरेस्ट किया जा सकता है, इन दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की कैटेगरी में उनको अरेस्ट किया जा सकता है. ये क्यों करती है पुलिस, तो आप जानते हो गाइस, इलेक्शन के समय पर यहां पर या फिर कहीं पर भी दंगे वगैरह वाली स्थिति जब डेवलप होने लगती है तो पुलिस क्या करती है, जो पेशेवर गुनाहगार जो होते हैं, जो पेशेवर क्रिमिनल्स होते हैं, पेशेवर गुंडे वगैरह, यानी कि जिनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, जैसे कि कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो पेशेवर गुंडे होते हैं, जो बार बार जो है वो क्राइम करते हैं, राइट, बार बार जो है वो गुंडागर्दी करते रहते हैं, जिनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है पुलिस के पास, तो पुलिस क्या करती है, ऐसे पेशेवर गुंडों को जो है वो बुक कर लेती है, उठाकर जेल में बंद कर देती है, राइट. ऐसा क्यों करती है, कि वो गुंडे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, क्राइम वगैरह जो है वो फर्दर ना करें. तो यहां पर क्या किया जाता है, पुलिस जो है वो क्राइम करने से रोकने के लिए व्यक्तियों को अरेस्ट कर लेती है,
राइट। जनरली हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो क्राइम होने के बाद व्यक्ति को अरेस्ट करती है, बट यहां पर क्राइम की संभावना जब डेवलप होने लगती है और क्राइम ना हो उसके लिए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर पुलिस लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और इसमें ज्यादातर पेशेवर गुंडों को ही अरेस्ट किया जाता है, बट हाँ ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है गाइस इसको ड्राकोनियन लॉ भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना, ये मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, राइट, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग इस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो रूलिंग सरकार होती है, रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, ये क्या करती है गाइस, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपोजिशन से, यानी कि अपोजिशन नेताओं वगैरह को अरेस्ट करा लेती है। कई बार ऐसा भी होता है जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को, सदस्यों को, नेताओं वगैरह को अरेस्ट करवा लेती है इस कानून के तहत। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं, राइट, तो वो भी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कई सारे अपने जो दुश्मन होते हैं उनको इस प्रकार से अरेस्ट कर लेते हैं। और ये सब चीजें पता है लिटरली आप जब ट्रेनिंग में जाओगे अपनी, तो आपको जो है वो आपके सीनियर सिखाएंगे, राइट, जैसे कि अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हो, IPS ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको नुक्से भी बताए जाते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकाल लो, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं, आप जाओगे सर्विस में तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अलग से सुन में आएगी, राइट। बट हम लोग को किस पर अभी ध्यान देना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर अभी हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देख लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि पुलिस जो है वो ऐसे व्यक्तियों को उठा लेती है जो कि हो सकता है कि इन फ्यूचर क्राइम कर दें, तो इन फ्यूचर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ऐसे लोगों को उठा लेती है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। और ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, राइट। तो इसमें जो भी इंडिविजुअल जम्मू एंड कश्मीर की सेफ्टी सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा होता है तो उसको इस कानून के तहत बुक कर लिया जाता है। और यहां पर इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में ये कानून लॉ होता है, यानी कि ये जो कानून है, लॉ जो है ये पूरे इंडिया में जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, पूरे इंडिया में लागू होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बट ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो है लागू होता है। तो ये वाला जो कानून है, इसमें अगर जो इंडिविजुअल जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी के खिलाफ खतरा होता है तो उसको यहां पर अरेस्ट किया जाता है। और इस कानून के अंदर जो इंडिविजुअल इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है या खिलाफ होता है तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बुक किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पर ये भी बताया जाता है कि बिना किसी फॉर्मल चार्ज के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक व्यक्ति है, उसको जब पुलिस अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस प्रकार से पुलिस अरेस्ट करेगी। पहले जो है आपने पढ़ा भी होगा आर्टिकल 22 में एक आपको क्लॉज देखने को मिलता है जिसमें हम लोग को ये सब चीजें भी बताई हुई हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत के अंदर तो आपको मिलेगा एक कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर ये पूरी चीजें मेंशन है कि एक व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं पुलिस को। जैसे कि उसके किसी परिवार को बताया जाएगा अरेस्ट के बारे में, अरेस्ट वारंट के थ्रू जो है वो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको मौका मिलता है कि वो लॉयर वगैरह ले ले। बट यहां पर ये पूरे जो प्रोविजंस हैं ये खत्म हो जाते हैं, ये यानी कि जो पूरे राइट्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को जब पुलिस बुक करती है, अरेस्ट करती है, तो उस समय पर किसी भी फॉर्मल चार्ज के बिना अरेस्ट कर सकती है, यानी कि बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दूसरी बात, उसको 2 सालों तक की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। तीसरी बात हम लोग को देखने को मिलता है कि एक और मतलब जो हम लोग देखते हैं कि जनरली एक कैदी के पास क्या क्या राइट्स होते हैं या फिर जिसको डिटेन करती है पुलिस उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, डिटेंशन राइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें यह भी मेंशन है कि एक व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उस व्यक्ति के अरेस्ट होने के समय पर, क्योंकि आप जानते हो जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसका टाइम और डेट जो है वो मेंशन की जाती है कि कब उसको अरेस्ट किया है, तो उसके अरेस्ट के मतलब जैसे ही उसको अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, राइट, जो कि यहां पर अब लागू नहीं होता। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि पुलिस जो है वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करे और उसके बाद फिर 24 घंटे के भीतर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि ये चीज यहां पर लागू होती नहीं है। साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है वो बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ना उसको बेल मिलती है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति लॉयर तक नहीं कर सकता, तो ये पूरे के पूरे जितने भी राइट्स होते हैं डिटेनी के सब यहां पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस कानून के अंदर, ठीक है। तो ये चीज बस आप थोड़ी सी याद रखना आप, राइट। इसके अलावा एक रिट हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि एक रिट होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, तो वैसे ही हीबियस कॉर्पस रिट जो है उसकी पेटीशन अगर लगाई जाती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो सुनवाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। तो ये चीज याद रखना, सिर्फ हाईकोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही जो है हीबियस कॉर्पस पेटीशन जो है उसके अगेंस्ट जो है वो सुनवाई कर सकते हैं, राइट। तो ये बस चीज आपको याद रखनी है। और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन से रिट्स हैं और उन पूरे रिट्स का नाम लिखकर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी सभी रिट्स की डेफिनेशन भी लिखकर बताइएगा, क्योंकि रिट्स के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं डिटेल में, ठीक है। और हीबियस कॉर्पस के बारे में तो जरूर लिखकर बताइएगा। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये 1980 का ये कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए अगर वो इंडिया के खिलाफ खतरा बन रहा है
या फिर इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए खतरा बन रहा है, या फिर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसके लिए थ्रेट बन रहा है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, या फिर ऐसे व्यक्तियों को जो बेसिकली एसेंशियल जो सर्विसेज हैं या फिर एसेंशियल जो सप्लाई है उनको रोक रहा है वो, यानी कि उसको पहुंचने नहीं दे रहा। जैसे कि एसेंशियल सप्लाईज होते हैं, जैसे कि आज की डेट में एसेंशियल सप्लाई क्या है, क्योंकि अभी 21 डेज का लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग जान रहे हो कि आज की डेट में फूड है, राशन वगैरह जो है, राइट, तो ये तो हमेशा से एसेंशियल सप्लाई रहे हैं, और इसके अलावा मेडिसिंस वगैरह, तो ये सब एसेंशियल सप्लाईज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, तो इसके सप्लाई को अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो वो जो है वो बुक किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर एक फॉरेनर को भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है सरकार के द्वारा, तो ये भी चीज याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर मैक्सिमम 12 महीने तक जो है वो जेल में बंद किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अगर कोई उल्लंघन करता है तो, और इस केस में हमने देखा था पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के कि 2 सालों तक जो है वो उसको बंद किया जाएगा एक इंडिविजुअल को, राइट, यानी कि जो खतरा बनता है जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये दो एक डिफरेंशिएशन बस आपको एक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और ये दोनों कानून न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि अभी हमने देखा कि काफी सारे डिटेंशन हुए थे, काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया था इन दोनों कानूनों के तहत, तो उसमें अरेस्ट किस किस पर्पज के लिए किया गया था, तो देखो NTCA प्रोटेस्ट जो हो रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके अलावा नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन के तहत जो प्रोटेस्ट हो रहा था, और आर्टिकल 370 जब रद्द किया गया था, हटाया गया था, राइट, तो उसके बाद भी हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दंगे वगैरह ना हो तो के लिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशंस जो है वो लगाए गए थे, यानी कि कानून के थ्रू काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, पेशेवर गुंडों को, पेशेवर मुजरिमों को, कि जिनके पब्लिक के बीच में रहने से या फिर जिनके बाहर रहने से जो है वो स्थिति खराब हो सकती, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसीलिए फिर ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था, राइट, तो ये बस थोड़ी सी आप याद रखो क्योंकि ये दोनों चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट है काफी, इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में ये वाला टॉपिक समझाया है। और अब हम लोग पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो पहला टॉपिक जो है वो है मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड का। तो देखो गाइज, आप लोग सभी जान रहे हो, आजकल आपको पता भी होगा, न्यूज चल रही है कि कोरोना वायरस जो है वो 14 दिनों के लिए जो है वो एक इंडिविजुअल की बॉडी में रहता है, या फिर 14 दिन का जो पीरियड होता है जिसमें पता लगता है कि एक इंडिविजुअल कितना अफेक्टेड है कोरोना वायरस से, राइट, तो ये चीज आपको पता लग रही होगी। और कुछ कुछ जगह पर आपने ये भी सुना होगा कि मिनिमम 4 दिन के बाद जो है वो एक इंडिविजुअल को 4 या 5 दिन के बाद पता लगता है कि कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो ये जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में जो वायरस जो होता है अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में चला जाता है, राइट, और उसके बाद फिर वो इन्फेक्शन क्रिएट करने लगता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल को एकदम से वायरस लग गया तो एकदम से उसकी सिम्टम्स उभर के नहीं आएंगे या एकदम से पता नहीं लगेगा कि वायरस है कि नहीं, इसलिए तो आज की डेट में इतना सीरियस हो गया माहौल। क्यों हुआ सीरियस? क्योंकि एक व्यक्ति है अगर वो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से तो उसको भी खुद पता नहीं होगा कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, और वो जिन लोगों से मिलेगा वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि एक पीरियड होता है जिसमें जो डिजीज के सिम्टम्स होते हैं वो हाइड रहते हैं, हिडन रहते हैं, राइट, यानी कि उसको आप पहचान नहीं पाते, और उसके सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक थोड़ी सी देरी हो चुकी होती है। तो ये जो पीरियड होता है तो इसको मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड अभी न्यूज में था, क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो वायरस है एक इंडिविजुअल की बॉडी में आता है और जब वो सिम्टम्स शो करने लगता है या फिर वो इन्फेक्ट करने लगता है तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और कोरोना वायरस के केस में 14 दिन का ये पीरियड इसको मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहा जा रहा है। और काफी सारी रिपोर्ट्स में ये जो पीरियड जो है गाइस कोरोना वायरस का, ये लगभग 5 दिन के आसपास का भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 या 5 दिन में पता लग जाता है कि एक इंडिविजुअल को मतलब कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि 4 या 5 दिन के बाद वो खांसने लगता है और बुखार आने लगता है उसको और उसकी हालत जो है वो खराब होने लगती है, राइट, तो कहीं पर 4 या 5 दिन मेंशन है और कहीं पर और 14 दिन, तो बेसिकली साइंटिस्ट ने जो है वो अप्रूव किया हुआ है कि 14 दिन का तो एटलीस्ट पीरियड रहता है जिसमें एक्चुअल में पता लग जाता है। और 97.5% लोगों के ऊपर जो देखने को मिला था, यानी कि ये जो अभी चल रहा है जो केसेस जो हम लोग देख रहे हैं, तो 97.5%, यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 10 में से 9 लोग आप कह सकते हो, हालांकि ये 9 से ज्यादा ही हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि 20 में से जो है वो 11 लोग, 11 इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 20 में से 11, तो 20 लोगों की टेस्टिंग हुई, उनमें से 11 लोग जो है उनमें पाया गया कि मात्र 11.5 डेज में या फिर लगभग आप 11 या 12 दिन के अंदर इन्फेक्शन जो है वो शो होना शुरू हो गया या फिर सिम्टम्स वगैरह जो है वो दिखने लगे, ठीक है, 11 या 12 दिन के अंदर। और बट कई कई केसेस में जो है वो, जैसे कि इन 8 लोगों की बात करें तो जैसे कि 20 में से 8 लोग हैं उनमें ये भी पाया गया कि 4 या 5 दिन में भी सिम्टम्स जो है वो दिखना शुरू हो गए थे, और कुछ लोगों में 14 दिन के बाद जो है वो सिम्टम्स दिखना शुरू हुए थे। तो ये इसलिए कहा गया कि 14 दिन का पीरियड जो है ये एस्टिमेट किया है साइंटिस्ट ने कि ये एक मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये चीज़ बस आपको याद रखनी, क्योंकि ये चीज़ एग्जामिनेशन में आ सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस ही चल रहा है आज की डेट में और इसी से रिलेटेड आएंगे चीज़ें।
अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, और आप जानते हो कि आज की डेट में जो कोरोना वायरस जो है उसको भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत रख लिया है, या फिर मैं बोलूं कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है वो भी अब हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत देखने को मिल रही है, राइट। और कोरोना वायरस के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कोरोना वायरस को इंक्लूड किया था इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, और कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है। तो ये कानून क्या है गाइस, तो इस कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि डिजास्टर को मैनेज करने के प्रोविजन यहां पर मेंशन है, यहां पर कुछ लीगल फ्रेमवर्क वगैरह जो है वो मेंशन है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी होता है इंडिया के अंदर, या फिर इंडिया के अंदर जो डिजास्टर होने वाला है तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन जो है वो करना नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, प्लान बनाती है, पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस देती है और एक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है। बट इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, राइट, यानी कि आपदा प्रबंधन की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाती है। और इसके अलावा इसका एक और काम भी है जो कि फेक न्यूज के सर्कुलेशन को भी रोकना, ये भी इसका काम है। तो ये चीज भी आपको, दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत भी ये काम करती है और फेक न्यूज को सर्कुलेट होने से रोकने का भी इसका काम होता है। क्योंकि यहां पर लोग बाग जो है वो थोड़े से कंफ्यूज आएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट को लगेगा कि यार ये तो अर्थक्वेक संभालती है या फिर ये तो सुनामी संभालती है, राइट, यानी कि सुनामी आ जाती है, कहीं पर फ्लड आ जाता है तब उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्स आती है, वो काम करती है। पर ऐसा नहीं है, इसमें फेक न्यूज भी जो सर्कुलेट होती है उस पर भी जो है वो ऑपरेट करती है, उसको रोकने का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये वाला कानून इसको रोकने का काम करता है। और जो एपिडेमिक डिजीजेस जो होती हैं, जो महामारियां वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ही आता है। और ये जीएस पेपर 3 में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको ये कानून के बारे में अच्छे से हर एक चीज इसकी पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक बातें? अब इस न्यूज की बात करेंगे इस, तो बताया जा रहा है कि सेंटर ने अप्रूवल दिया है कि ये 1.304 करोड़ रुपीस जो है वो रिकैपिटलाइजेशन प्लान के तहत रीजनल रूरल बैंक्स में जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि सिंपल सॉर्टेड तरीके से कि इतने करोड़ रुपए जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स में डालने की यहां पर बात की जा रही है, जिससे कि रीजनल रूरल बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इंप्रूव हो और रूरल एरियाज पर जो है वो ये बैंक्स क्रेडिट यानी कि लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा सके। अब इसमें देखो आपको मेन चीज क्या पता होनी चाहिए कि ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, क्योंकि ये चीज आ सकती है आपसे, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो CRAR जो होता है गाइस, ये बेसिकली जितने बैंक को कैपिटल की आवश्यकता होती है, और ये मेजर किया जाता है ज्यादातर जितना भी बैंक जो है वो लोन देती है उसके आधार पर। क्योंकि आप जानते हो गाइस कि बैंक के पास जब पैसा होगा तभी तो बैंक जो है वो लोन दे पाएगी, और इसने जितना भी लोन डिसबर्स किया होगा, जितना इसने लोन दे दिया है और जितना पैसा बैंक के पास बचा हुआ है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये बैंक ने लोन के आधार तौर पर दे दिया, और ये वाला जो डार्क एरिया है ये बैंक के पास जो है वो बचा हुआ है, अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से मेजर होता है कि कितना कैपिटल बैंक के पास अवेलेबल है और कितना उसने लोन डिसबर्स कर दिया है, तो उसके ऊपर बेस दिया हम लोग को कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो देखने को मिलता है। क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो तो यही होता है ना कि एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, यहां पर देखने को मिलती है, राइट। और जो इस तरफ वाली चीज होती है वो उसने कितना लोन दे दिया है, और इस तरह वाली जो चीज होती है कितना उसके पास बचा है। तो ये इसका बेसिकली रेशियो होता है, रेशियो कहलाता है कि कितना पैसा बैंक के पास है और कितना उसने डिसबर्स कर दिया है, राइट। और बैंक के पास पैसा होगा तभी तो जाकर ऑब्वियसली बात है कि वो और रूरल एरियाज पर जो है वो पैसा देगी, और जितना हायर एसेट होता है, और एसेट जो बेसिकली होती है वो लोन होती है बैंक की, ठीक है, बैंक ने जितना लोन डिसबर्स किया होता है वो उसकी बैंक की एसेट कहलाई जाती है। तो ये चीज भी क्लियर रखना, और जितना ज्यादा उसका एसेट होगा उतना उसका कैपिटल भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जितना वो लोन दे चुकी होगी ऑलरेडी, तो और उसको लोन देने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ पैसा तो होने की आवश्यकता है ही ना। तो इस प्रकार से जो है ये काम चलता है, और रूरल एरियाज पर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए ये अभी जो है वो इतना पैसा जो है वो रिकैपिटलाइज करने की बात की जा रही है रीजनल रूरल बैंक में। और रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं गाइस, सिंपल तरीके से याद रखो ये सरकारी बैंक होते हैं जो कि रूरल एरियाज पर ऑपरेट करते हैं, रीजनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, रीजनल लेवल पर। और ये सरकारी बैंक होते हैं, इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक इनको हम लोग बोलते हैं, और इनका मेजर पर्पस होता है रूरल एरियाज पर सेवाएं अपनी प्रोवाइड कराना, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लोन्स वगैरह ले सकें और अपना काम वगैरह जो है वो कर सकें जो रूरल एरियाज में रहते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज जो है वो हालांकि आज की रेट में इंप्रूव हो चुकी हैं, बट पहले के समय पे नहीं थी। और इंप्रूव क्यों हुई है, क्योंकि इस प्रकार के रीजनल रूरल बैंक जो है वो
आज की डेट में एस्टैब्लिश हो चुके हैं रूरल एरियाज पर। और अभी जो ये कड़ा समय चल रहा है 21 दिन का, इसमें स्पेशली इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो गरीब लोगों को पड़ रहा है, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को पड़ रहा है। तो इसलिए कहा गया कि उनकी जो दिनचर्या है या फिर उनका जो जो भी यानी कि जो अभी 21 दिन में जो भी उनका लॉस हो रहा है तो उसको फुलफिल कराने के लिए एटलीस्ट उनको अगर लोन की आवश्यकता पड़ी या क्रेडिट की आवश्यकता पड़ी तो रीजनल रूरल बैंक में उन पैसा जो है वो होना चाहिए, राइट, कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल नहीं होगा बैंक के अंदर तो वो लोन कैसे देंगे फिर, राइट। तो ये इसलिए जो है ये इतना पैसा रिकैपिटलाइज करने की बात की जा रही है, बट आपको मेनली जो है ये पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज आपसे जो है वो पूछी जाएगी सीआरएआर के बारे में। क्लियर है यहां तक पूरी बातें? अब नेक्स्ट की बात करें, लेगेसी वेस्ट की बात करें। लेगेसी वेस्ट क्या होता है? तो देखो गाइस, जो कचरा कूड़ा जो पड़ा रहता है एक जगह पर उसको लेगेसी वेस्ट बोलते हैं, जो कि सालों से पड़ा रहता है, सालों से, राइट। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कई सारी जगहों पर सालों से जो है वो कचरा पड़ा रहता है। जैसे कि आप दिल्ली से अगर बाहर जाओगे, जब मैं बीच में एक बार गया था दिल्ली टू चंडीगढ़ और फिर मनाली की ट्रिप में मैं गया था, तो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने वाला जो रूट है ना, वहां पर आप जैसे ही दिल्ली से बाहर निकलोगे आपको एक बहुत बड़ा सा जो है वो पहाड़ दिखाई देगा, राइट, पहाड़, लिटरली कचरे का पहाड़ था वो। तो ये ऐसी चीजें जो है वो सालों से जो है पड़ी हुई है दिल्ली में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इसी चीज के लिए जो है कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमिटी जो है वो को डायरेक्शन दिए हैं कि जितना भी इस प्रकार की जो लेगेसी वेस्ट के चलते एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा है तो उस नुकसान को मेजर करो, एक्सेस करो कि कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हुआ है एनवायरमेंट को इस लेगेसी वेस्ट के चलते। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लेगेसी वेस्ट क्या होता है तो आपको बताना होना चाहिए कि सालों से पड़ा हुआ जो एक जगह पर जो कचरा होता है, यानी कि किसी बंजर जमीन पर अगर सालों से कचरा पड़ा हुआ है, उसका पहाड़ बन चुका है, तो उसको लेगेसी जो है वेस्ट कहते हैं। लेगेसी वेस्ट क्या होता है? एक तो विरासत, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है विरासत, लेगेसी का मतलब, और वेस्ट यानी कि कूड़ा कचरा, राइट, कि और लंबे समय से पड़ा हुआ ये कूड़ा कचरा, ठीक है। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए। और ये कमेटी जो बनाई गई है जो कि दिल्ली के अंदर ये मेजर करेगी कि जो ये सालों से जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लेगेसी वेस्ट जो सालों से पड़ा हुआ है, तो उसने एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होने वाले हैं? तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स होंगे, एनईईआरआई के मेंबर्स होंगे, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि ये एक्सेस करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है एनवायरमेंट को इस लेगेसी वेस्ट के चलते। इसके अलावा इन्होंने जो सीपीसीबी जो है गाइस, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि बायो माइनिंग मेथड जो है उसका उपयोग किया जाए इस लेगेसी वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, इफेक्टिव तरीके से डिस्पोज करने के लिए। आप देखो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बायो माइनिंग क्या होती है। सिंपल याद रखो गाइस कि वेस्ट के अंदर से जो महत्वपूर्ण चीजें, इसको अगर सेग्रीगेट कर दिया जाए, अब देखो कचरा है, अब कचरा पड़ा हुआ है तो उसके अंदर काफी सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको दोबारा से उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि इस कचरे के अंदर कई सारे प्लास्टिक्स हो सकते हैं, रबर्स हो सकती है, मेटल्स हो सकते हैं, और कई बार जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह होता है तो उसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर पड़ा हुआ है या सीपीयू पड़ा हुआ है खराब वगैरह, राइट, या फिर कीबोर्ड पड़ा हुआ है, राइट, टूटा फूटा, तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, चिप वगैरह होती हैं, उसको दोबारा से जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है, या फिर जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं उनको उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है। तो इन सब कूड़े में से सेग्रीगेट किया जाए कि जो भी काम की चीज है उसको अलग कर दिया जाए और जो भी काम की चीज नहीं है उसको अलग कर दिया जाए। तो इनमें से जो भी काम की चीज होगी उसको रिसाइकल करके प्रोडक्टिव तरीके से वेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक मेथड होता है जिसको हम लोग बायो माइनिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में भी। और बात कर लें मैक्स 4028 वीट के बारे में, तो देखो एक नई प्रकार की गेहूं की वैरायटी जो है वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। इसको डेवलप किया है एआरआई पुणे के द्वारा, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा, और ये जो वैरायटी है गाइस इसको एमएससीएस 4028 नाम दिया गया है, और ये एक बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम वीट वैरायटी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और एआरआई पुणे की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और इसी ने डेवलप किया है एक बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम वीट वैरायटी एमएससीएस 4028, ठीक है। अब यहां पर आपको बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है ये समझना है, राइट, और ड्यूरम क्या होता है ये समझना है। ये चीज आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स वगैरह में आता है कि एमएससीएस 4028 क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि एक प्रकार का गेहूं है जो कि डेवलप किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू एआरआई इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, यानी कि एआरआई पुणे के द्वारा। अब देखो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अलग से न्यूट्रिशंस वगैरह को ऐड करना, तो उस चीज को फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। और बायो फोर्टिफिकेशन कैसी प्रोसेस होती है जिसमें क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, राइट। तो ये होती है बेसिकली बायो फोर्टिफिकेशन, यानी कि जो क्रॉप है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बस ये चीज सिंपल आप याद रखो, ठीक है। तो ये फोर्टिफिकेशन में आप समझ रहे होगे कि जो फोर्टिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना,
ठीक है। इसके अलावा डुरम, ये इंपॉर्टेंट है, डुरम आपसे पूछा जा सकता है, डुरम क्या होता है? तो ये कठोर वीट होता है, कठोर गेहूं का क्रॉप हम लोग को देखने को मिलता है जो कि एरिड रीजन पर उगाया जाता है ज्यादातर, और ये बेसिकली मिलाया जाता है सेमोलिना के साथ, सेमोलिना को जिसको हम लोग सूजी बोलते हैं, तो ये सूजी के साथ जो है वो मिला दिया जाता है और ये बेसिकली ज्यादातर पास्ता वगैरह बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी ये एक प्रकार की वीट है, एक प्रकार का गेहूं है जिसको पास्ता वगैरह के बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल जो वीट गेहूं जो हम लोग देखते हैं ना, जो नॉर्मल जो हमारे घर में हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब रोटी वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह के लिए, तो ये जो गेहूं होता है वो सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट में। बट उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वो यही डुरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम टोर्टिकम, राइट। तो ये इसको, इसका जो बेसिकली साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम टोर्टिकम, ठीक है। तो ये इसके नाम से भी जाना जाता है डुरम वीट। तो ये पास्ता वगैरह बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। जैसे कि नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता है जिसमें हम लोग के घर में जो रोटियां वगैरह बनती है ना, तो जिसको कॉमन वीट बोला जाता है या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली, तो ये जो है कॉमन वीट है, उसके दूसरे नंबर पर जो वीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो पास्ता बनाने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो डुरम हम लोग को देखने को मिलता है, डुरम वीट, ठीक है। तो इसका जो ये नाम है ये बताया जा रहा है, ये है बायो फोर्टिफाइड डुरम वीट। तो ये जो वैरायटी है ये बेसिकली पास्ता वगैरह में उपयोग में ली जाएगी, यानी कि एक अच्छी वैरायटी है न्यूट्रिशियस पास्ता वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और पास्ता का नाम अभी ले रहे हैं, सब कुछ बंद है, 21 डेज लॉकडाउन है, बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि घर में तो मम्मी पास्ता बनाती नहीं है, बाहर से ही खाना पड़ता है। चलो एनीवेज ये वाली बात हो गई, और बस आज इतने ही टॉपिक्स थे गाइस। और आज की डेट में ऑब्वियसली कोरोना वायरस ही चल रहा है, हर जगह, हर एक जगह देखो तो कोरोना वायरस की ही न्यूज़ आ रही है, तो इसलिए ज़्यादातर न्यूज़ हो नहीं रही है क्योंकि बिजनेस जो है वो चल नहीं रहा है, कोई भी नया बिजनेस हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है आजकल, तो कमी न्यूज़ रहती है काफ़ी। बट हाँ, जितनी भी थी मैंने आपको पढ़ा दी, कुछ छूटेगी नहीं आपकी, ये बात तो गारंटी रहती है। और आज सैटरडे है और कल के दिन जो है संडे के दिन मैं आप लोग को पूरा कंपाइलेशन प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि जितने कई सारे ऐसे हमारे भी मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही दिन पढ़ते हैं, जो जॉब वगैरह करने जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो ज्ञान सर ने मुझे बोला है कि आपसे कंपाइल करके एक दिन वीडियो दे दिया करो संडे वाले दिन, क्योंकि आप जानते हो कि मंडे टू सैटरडे ये वाला लेक्चर आता है और संडे को जो है वो लेक्चर नहीं आता, और मंडे वाले लेक्चर में संडे की न्यूज़ भी जो है वो कवर्ड होती है, ठीक है। तो एक दिन ये लेक्चर डेली बेसिस पर नहीं आता, बट हाँ, अब संडे को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है जिससे कि आपका एक तरह, क्योंकि संडे आप लोग के रिविजन के लिए होता है बेसिकली, बट कई सारे हमारे एस्पिरेंट्स वो रिवीजन करने का उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी और स्पेशली जो लोग जॉब वगैरह करते हैं और आज की डेट में तो सबकी छुट्टी है ही ऑलरेडी, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैं एक लेक्चर डालूंगा जो कि कुछ 4-5 घंटे का होता है, यानी कि जितने भी पूरे वीक में मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसी का ये कंपाइलेशन होता है, यानी कि उसी को जो है वो मैं चिपका के दे देता हूं, राइट। जैसे कि एक ही वीडियो में आपको पूरे हफ्ते की पूरी चीज मिल जाए, जैसे कि आप उसको 2x की स्पीड में चलाकर जो है वो रिवाइज भी कर लो, आगे बढ़ा बढ़ा कर रिवाइज भी कर लो, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाए और एंड टाइम पर ये काफी जो है वो हेल्पफुल हो जाता है। और कई सारे हमारे जो लोग हैं जो जॉब वगैरह करते हैं तो उनको सिर्फ एक ही वीडियो में पूरे हफ्ते की जो है वो न्यूज मिल जाए, तो इसलिए कंपाइलेशन जो है वो अब संडे को जो है वो किया जा रहा है, तो कल के दिन कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, 6 मार्च की न्यूज छूट गई थी, सिर्फ इकलौती ऐसी डेट है जिसकी न्यूज छूटी हुई थी, तो वो हो सकता है कि वो भी मैं आपको कल जो है वो प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, कल या फिर चलो कल रात तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 10-11 बजे तक, ठीक है, रात में आपको वाली न्यूज़ मिल जाएगी 6 मार्च की जो कि छूट गई, और बाकी मार्च की फिर पूरी न्यूज़ जो है वो अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हो कि एक भी न्यूज़ जो है वो मैं स्किप नहीं करता, और अगर स्किप हो जाती तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो चलो ये वाली बात हो गई आज की, और रुकिएगा कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है अभी 21 डेज का जो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप डिफ्रेंशिएट करके एटलीस्ट तीन, तो ये चाहो तो अभी के भी नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बता दो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 22 आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा है अर्थक्वेक के बारे में पूरी चीज पढ़िए कि कितने प्रकार के अर्थक्वेक्स होते हैं और क्या क्या टर्म्स होते हैं अलग अलग प्रकार के अर्थक्वेक्स के, हम लोग को जो टर्म्स वगैरह देखने को मिलते हैं, टर्मिनोलॉजी जो होती है अर्थक्वेक के अंदर, इसके अलावा मैग्नीट्यूड जो होता है, इसके अलावा वेव्स वगैरह जो होती है अर्थक्वेक की, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वेव्स होती है ना, पी वेव्स, एस वेव्स, तो वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अर्थक्वेक का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करो। इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जिसको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हम लोग बोलते हैं, ये पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको। तो ये बेसिकली 4 होमवर्क्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है अपने पास, और अपने पास नोट्स बना के इसके रखने हैं आपको, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, और रुकिएगा ये नोट्स जो है ना, पहले ये नोटिस जो दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ये बस पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, इस होमवर्क को करने से पहले। और बस यही था पूरा आज के लिए टॉपिक, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है, एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स, और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, और कल आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।